हरि ओम, हरि ओम। हमको जो जीवन मिला है इसलिए मिला है कि हम इसमें कहीं पे समर्पण स्थान प्राप्त कर लें और अपने अहंकार को देने के लिए एक वेदी बना लें, एक यज्ञशाला बना लें। अहंकार को अर्पित करने की यज्ञशाला का ही नाम सेवा होता है। तो हम जो चाह रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वो हो, वह सही हो, ये सब नहीं चलता यहाँ। दिस वर्ल्ड इज नॉट अ विश फुलफिलिंग सेंटर, इट्स अ डिस्पैशन गिविंग सेंटर, इट्स अ ईगो डिमांडिंग सेंटर। ईगो डिमांड करता, वापस करो, आप अहंकार छोड़ दो। ईगो सेक्रीफाइसिंग सेंटर, इट्स अटैचमेंट सेक्रीफाइसिंग सेंटर। जैसे यज्ञशाला होती है, अग्नि होती है और अग्नि में स्वाहा करना होता है, वैसे ही जगत में भी आपके पास अपने अहम को स्वाहा करने के लिए एक एरिया मिला है, कुछ लोग मिले हैं। सुखी वही रहेगा जो जितना अच्छा हवन कर सकता हो। अगर आप उस हवन को रोकेंगे तो आपको दुख मिलेगा। आपकी यज्ञशाला ईश्वर बनाएंगे। कहाँ समर्पण करना है उस पर आपका अधिकार कम है, ठीक है। अब देखो, जटायु जी की बात कर रहे थे हम लोग पिछले, अब उनको ऐसी जगह रखा गया जहाँ सीता की रक्षा के लिए उनको समर्पित करना था और उनसे प्राण की आहुति मांगी गई। हमने बोला था सुबह कि निश्चित था कि नहीं बचेंगे जटायु, लेकिन कभी कभी कोई हार के भी जीतता है, कभी कभी कोई जीत के भी हारता है। रावण जीत के भी हारे और जटायु हार के भी जीते, रानी लक्ष्मीबाई हार के भी जीतीं और जो उनके साथ वाले ब्रिटिश थे वो जीत के भी हारे। जरूरी नहीं है कि आप बाहर से जीत को ही जीत मान लो, अंदर की जीत कभी कभी बाहर की जीत से लंबी रहती है। तो जो जटायु के अंदर दो चीज की, जो एक शौर्य दिखता है, शौर्य आपने सुना होगा, सौरज धीरज तेहरज चाका, विभीषण गीता में सत्यशील दृढ़ दजा बता का। तो कोई भी लक्ष्य, शौर्य मतलब होता है किसी बड़े लक्ष्य के लिए मरने की कैपेसिटी, अपने को पूरी तरह ख़त्म कर देने, खपा देने की, चाहे वो आल्टर आपका गुरु हो, चाहे वो आल्टर माता पिता हो, चाहे वो आल्टर आपका इष्ट हो, चाहे मंत्र हो। जब तक आदमी पूरी तरह कहीं इच्छा नहीं रखता कि हम ख़त्म कर देंगे तो उसका बेस्ट नहीं निकल पाता। बोले एट द मोस्ट क्या होगा, मर ही जाएंगे ना। बेस्ट तब आता है जब आप पूरी तरह अपने आप को ख़त्म करने के लिए जाते हो। यही शौर्य दिखता है जटायु में, जो कि संपाति में नहीं दिखता है। संपाति में अपने लिए शौर्य दिखता है, अहंकार के लिए। अभी उनकी संपाति की बात आएगी, वो भी तैयार हैं। और वो लड़ाई किए जटायु, शौर्य था, मतलब सीता जी को बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, अपने भगवान को प्राप्त करने के लिए हम किसी भी एक्सटेंट तक जाएंगे। इतना जो लोगों ने
बलिदान दिया स्वतंत्रता संग्राम में, शौर्य था उनके, जैसे राणा प्रताप के पास शौर्य था, और जब वो झुके नहीं तो धैर्य था। तो जटायु में शौर्य बहुत था, लेकिन जब वो नीचे गिर गए तब धैर्य की परीक्षा थी। वो प्राण छोड़ सकते थे क्योंकि दर्द बहुत था, लेकिन उन्होंने संकल्प किया कि जब तक हम राम जी को ये बता नहीं देते कि सीता को रावण ले गए हैं तो फिर हम, वो बहुत परेशान होंगे, इसलिए हम धैर्य की जरूरत। कष्ट कहीं आप फेल हो गए हैं, बहुत कष्ट मिल रहा हो, फिर भी पकड़ के रखना किसी गोल को अंदर, उसको धैर्य बोलते हैं। सौरज धीरज धीरज चाका, तो उन्होंने जो प्रतीक्षा किया उतने देर तक वो धैर्य था, और जो रावण से संग्राम किया वो शौर्य था। ठीक है, एक बड़े लक्ष्य के लिए, छोटे लक्ष्य के लिए कोई भी लड़ सकता है, जहां पे हमारा अहंकार पुष्ट नहीं होगा, जहां पे हमको पैसा नहीं मिलेगा, जहां पे हमारा कोई नाम वाम नहीं होगा, कहीं पे अर्पित करने की इच्छा और उसके लिए अपने आप को पूरा दे देना, उसको बोलते हैं शौर्य। ठीक है, आप देखिएगा, साधना में बहुत शौर्य चाहिए होता है, क्योंकि आपको फेलियर मिलती है कई बार, शौर्य चाहिए, क्योंकि हम उस साधना के लिए उसके लिए जान दे देंगे, उसको करने के लिए। शौर्य मतलब नहीं लड़ाई करना है जाके युद्ध भूमि में, उसका मतलब नहीं शौर्य। हाँ, आप लगाइए अपने आप, इन्वेस्ट करिए, और जब फेल हो जाए तो धैर्य की आवश्यकता है। एक दूसरा चरित्र रामायण में जिसके पास बहुत ज़्यादा शौर्य धैर्य है, आप बताइएगा। शौर्य धैर्य बहुत ज़्यादा है, हनुमान जी में, श्री हनुमान जी में शौर्य धैर्य बहुत ज़्यादा है। सुग्रीव में नहीं है, दोनों ही नहीं है, है शौर्य। हाँ, चलिए हम मान लेते हैं आपकी सारी बातों को। जब ऊपर से डाला गया, सीता जी ने जब डाला, तो सुग्रीव को कुछ तो रिएक्ट करना चाहिए था, पत्थरी मार देता। कुछ तो बोलना तो चाहिए था। लक्ष्मण जी सी बात को लेकर नाखुश थे थोड़ा, कुछ तो करना चाहिए था। तो शौर्य की कमी, जैसा किसी ने बोला, राम जी के मिलने के बाद जरूर शौर्य दिखता है, धैर्य दिखता है, लेकिन उसके पहले बहुत पिटे पिटे थे। जो अलग एक और बहुत बड़ा शौर्य का उदाहरण है रामायण में, दशरथ जी, उन्होंने प्राण त्याग दिया भगवान राम को, उनका ये प्राण था कि नहीं देखेंगे तो हम नहीं रहेंगे, ये जिंदगी ना देने के लिए है पूरी तरह, नहीं तो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। जिसको मरने से डरना है वो क्या जिएगा किसी बड़े के लिए, क्योंकि हर स्टेप पे आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, नहीं होगा, ख़त्म हो जाएंगे, एट द मोस्ट क्या होगा, बेस्ट तभी आता है क्योंकि रिस्क लेना पड़ता है। किसी भी बड़े चीज़ की प्राप्ति में एक बड़ा रिस्क रहता है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आदमी कुछ कर ही नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा सोचेगा तो एक अनसर्टेन एरिया होती है जहाँ पे आप अपने आप को देते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। तो जटायु वाला प्रसंग तो पूरा हो गया, अब जटायु के बाद चलिए चलते हैं थोड़ा आगे। अब ये भगवान राम और लक्ष्मण जी जा रहे थे, अब ये है 70
70 उन्होंने देखा कि हमारे आसपास एक हाथ आ गया, हाथ आया बड़ा सा, और ये दोनों ऐसे समेट के खींच लिया उसने। उन्होंने देखा दोनों ने। अब इस बार लक्ष्मण जी घबराए, मजेदार बात नहीं, बोले कि हम बहुत देर से आपको उपदेश दें, थोड़ा आप भी हमको बताइएगा। तब राम जी ने कहा कि भाई लक्ष्मण क्या तुम घबरा क्यों रहे हो। एनीवे, अब ये जो बड़ा सा हाथ आया इसने खींचा, इसने अपनी तरफ खींचा। भगवान राम का ही तो बड़ा गजब हो रहा है। इसका नाम था कबंध, कबंध नाम था। और ये विचित्र था, थोड़ा विचित्र ये था कि इसका सर और गर्दन पेट में धंस गई थी। सर और गर्दन पेट में धंस गई थी और नीचे से पैर पेट में धंस गया था। हाँ, तो अब प्रश्न ये है कि भाई ये खाएगा कहाँ से, जिंदा कैसे रहे। ये वास्तव में अब इस भाई, और इसका जो हाथ था इसके बारे में कहानी ये आती है, खुद ही अपनी कहानी बताएगा। इसने कहा कि हम जो है पहले एक बहुत अच्छे गंधर्व थे, और ये है एक सप्ततितमा 71। पुरा राम महाबाहो महाबल पराक्रमम रूपम आसीत मम अचिंत्यम त्रिषु लोकेषु विश्रुतम। बहुत सुंदर हम थे, 71 नहीं मिला, एक सप्ततितमा, हाँ नहीं 70 भी है, फिर आएंगे। हाँ, तो ये फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट उसका श्लोक है। वो क्या बोलते हैं, रूप आसीत, बहुत सुंदर थे हम, और पिछ पहले हमारे, और इतने सुंदर थे जैसे कि सूर्य और चंद्रमा है। लेकिन उस सुंदर होने के बावजूद भी हम थोड़ा राक्षसी रूप लेके लोगों को डराने में हमको बड़ा मज़ा आता था। हालांकि हम थे भाई नेचर सुंदर, लेकिन जब लोग डर के भागते थे हमको, हम ऐसा भयानक स्वरूप लेते थे राक्षस वाला, और सब ऋषि डर के मारे भाग जाते थे, तो हम काफ़ी अथॉरिटी लगती थी हमको हर जगह। तो इस तरह से एक दिन क्या हुआ कि वहाँ एक स्थूल शिरा नाम के ऋषि आए। स्थूल शिरा, ध्यान देखिएगा, ये तब हुआ जब ऐसे इन्होंने किया राम लक्ष्मण को, और राम लक्ष्मण ने इसका हाथें काट दिया। पता नहीं तलवार कहाँ से मिली इनको, लेकिन लिखा है कि तलवार से हाथ काटा, कहीं से लिया होगा। तो उन्होंने, तब इसने कहा कि आप राम लक्ष्मण हैं क्या? बोले हाँ हम हैं। तो बोले हमारे, आप बताइए हमारे बारे में, सुनिएगा इनकी कहानी। तो ये ऐसे पकड़ लेते थे, तो तब तो राक्षस ही हो गए। अहंकार के साथ समस्या क्या है, हर व्यक्ति अंदर से बहुत सुंदर है एक्चुअली। हर व्यक्ति, स्वामी विवेकानंद बोलते थे, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, उनकी फेमस लाइन है। तो व्यक्ति अंदर से बहुत सुंदर है, लेकिन वो भोक्ता कर्ता बनता है। जब वो बड़ा बनना चाहता है तो वही उसकी बदसूरती हो जाती है। किसी की बदसूरती है कि जगत में, क्योंकि बड़ा बनने के लिए किसी को नीचा करना पड़ेगा आपको। किसी की अगलीनेस से ही है कि वो जो है कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा बनना, और कैसे पता बड़ा बनना चाहता है, उसको बहुत जल्दी निग्लिजेंस मालूम पड़ता है कि किसी ने हमारा निग्लेक्ट कर दिया। जब आप छोटे बनोगे ना तो आपको लगेगा निग्लेक्ट किया, हम तो वर्थ निग्लेक्टिंग, हमें नहीं चाहिए था, आई डोंट डिजर्व इट। अगर आप ईमानदार हैं, अहंकारी बहुत बेईमान होता है, अगर आप ईमानदार हैं तो आप बोलेंगे नहीं हमें, आई डोंट डिजर्व इट, हमें ये ध्यान नहीं चाहिए, हमें आप इतना बड़ा मत बनाइए। यही बदसूरती हो गई,
और इसी अहंकार से आदमी दूसरे को डराता है भाई। अहंकारी से सब डरते हैं थोड़ा सा कि चिल्ला न दे, बोल न दे, हाँ कोई गड़बड़ ना हो जाए। आपके जीवन में कोई हो तो आपको याद आएगा, हमारे जीवन में तो कई हैं। तो ये जो आदमी डराता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, उस दिन हमसे बात ही नहीं किया, चले गए हमसे बिना बात किए चले गए, हमने आपको फ़ोन किया आप उठाए नहीं, मतलब 10 तरह से वो हर्ट होता है। बहुत ख़राब आदत है ये। आपको पता होना चाहिए कि आपके बारे में दो लोग क्या सोचते हैं। फिर से बोल देते हैं, हम जो सोचते हैं अपने बारे में उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हम तो पिए हुए हैं ना शराब अहंकार की, तो नहीं दिखेगा, सही सही बात सब लगेगी। लेकिन हमारे बारे में दूसरे क्या ओपिनियन रखते हैं थोड़ा इसको जानिएगा। यही राम जी ने किया था आखिरी में, उत्तरकांड में यही किया था उन्होंने, वो खुद गए देखने कि लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, सो देट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। हम जो सोच रहे हैं अपने बारे में, हम किसी आवेश में सोच रहे होंगे। अहंकार बहुत ही बदसूरत है, आपसे क्या बताएं, इससे आदमी सब खो देता है। एक शंकराचार्य जी का ग्रंथ है प्रश्नोत्तर रत्नमानावली, तो उन्होंने बोला अनर्थ फल कह का, अनर्थ किससे अनर्थ होता है जीवन में, तो उसमें लिखा अहंकार से, अहंकारात। अब देखो, आप देखो खूबसूरती आप चेहरे पे नहीं होती कि चेहरा बड़ा सुंदर है और बड़ा ट्रिम दाढ़ी है और बाल काफ़ी सेट किया गया है, जेल फेल लगाया है, ओट में लिपस्टिक है, हालांकि आप लगाइए, मना नहीं कर रहे, लेकिन उससे जो है खूबसूरती नहीं आती। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा जो सत्याज भजे रघुबीरा, सुंदरता तो ये है कि आप जो है आपके पास रह के किसी को एक अपनापन लगता है कि हमारा जैसा ही है। सुंदरता ये है कि किसी को पजस करने का मन करे, आज भी कल भी परसों भी, इसका बदलता नहीं है। बदसूरती ये है कि किसी को लगे कि दूर रहे भैया इससे, तो ये शौक दे देगा। अपने को थोड़ा जानना चाहिए कि हम कौन हैं। तो ये जो है चूंकि डराया इसने, तब स्थूल शिरा ऋषि ने श्राप दे दिया। देखो थर्ड श्लोक, ततः स्थूल शिरा नाम महर्षि कोपितो मया, मिल गया ना आपको, हाँ क्यों, ऋषीन वनगतान राम त्रासयामी ततस्ततः, उसके पहले ही है, हम ऋषियों को त्रास देते थे, हाँ ऋषि मतलब अच्छी वृत्ति को हम परेशान करते थे। क्या जरूरत है परेशान करने की, क्यों क्यों कर रहे हो, अहिंसा होना चाहिए, अहिंसा या प्रतिष्ठायाम, वो प्रतिष्ठा होनी चाहिए कि हमसे किसी को कष्ट ना हो भाई। ये सबसे बड़ी बात ये है, आप कितनी माला करते हैं, कितना जप करते हैं, उससे बड़ी बात है कि हमारी वाणी से मन से कोई परेशान ना हो। हमें नहीं चिंता है कि आप कितना पाठ वाठ करते हैं। आई एम वेरी नॉन हर्टिंग पर्सन, ठीक। अब इनको जो है उसने श्राप दे दिया ऋषि ने कि तुम यही रूप बन जाओ, तुमको बहुत ज्यादा लग रहा है ना, अब तुम यही बन जाओ। ये रोने लगे, बोले आप भी गजब हैं, हमको इतना भयंकर श्राप दे दिया, बोले तुम अब इसी अहंकार में रहोगे, यही तुम रहो और तुमसे सब भागेंगे, तुमको खाना भी नहीं मिलेगा ठीक से, तुमको कोई प्यार भी नहीं करेगा, तुमको कोई आदर भी नहीं करेगा, तुम सबको डरा रहे हो इतना, दूसरे को डरा के तुम खुद निर्भय रहना चाहोगे। निर्भय रहने का तरीका है कि दूसरे भी हमसे निर्भय रहें। जब संन्यास लिया जाता है तो एक व्रत होता है, उसमें व्रत लिया जाता है कि आज से हमसे लोग निर्भय रहेंगे, हम डराएंगे। आई एम नॉट अ कॉम्पिटिटर इन द सोसाइटी,
हम कोई एक स्पर्धी नहीं है, स्पर्धा नहीं है। उन्होंने कहा कि देखिए आपने दे दिया, कुछ तो एंड करिए इसका। बोले ठीक है, जब राम लक्ष्मण आएंगे और तुम्हारा हाथ काट देंगे तब जो है तुम फिर से अपने सुंदर रूप में आ जाओगे। इसने कहा ठीक है भाई। फिर उसने ब्रह्मा जी की तरफ तपस्या किया। देखो मिस्टेक होने, ब्रह्मा जी ने कहा तुमको खूब बड़ा जीवन हो, खूब बड़ा जीवन तुम्हारा हो जाए। तो तब तक तो सोबर था वो कि भाई श्राप वाप दिया है, ठीक हो जाएंगे हम कुछ दिन में। लेकिन अब जब इसके पास ये वरदान आ गया तब इसने फिर से उपद्रव करना शुरू किया और लड़ाई किससे किया, इंद्र से लड़ाई कर लिया। इंद्र से भाई, बुद्धि से आप थोड़ा लंबा चल सकते हो, अहंकार को जिता सकते हो कुछ दिन तक, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो किसी एरिया में, किसी एरिया में आप इंटेलिजेंट हैं, स्पीकर इंटेलिजेंट हैं, सिंगर इंटेलिजेंट हैं, या बेटे इंटेलिजेंट हैं, किसी चीज से आपने अपना अहंकार की लाइफ बढ़ा ले, अब इंद्र आए। लेकिन आपने अहंकार, व्यक्ति दूसरे का विरोध बहुत करता है, ही अपोजेस, यू आर कटिंग समबडीज एग्जिस्टेंस। इन्होंने उनका एग्जिस्टेंस कहा। अब इंद्र ने कहा अच्छा, वो लिया उन्होंने अपनी जो मेस होती ना गदा, उसके सर पे मारा, सर अंदर धंस गया, क्योंकि मरना नहीं था ना इसको। हाँ, अगर मरना तो मर जाता। फिर पैर पे मारा, पैर भी अंदर चला गया, बड़ा फोल्डिंग बॉडी ही लग रहा। लेकिन अब जब सर पैर अंदर घुस गया पेट में, तो इसने कहा सुनिए, नीचे बोले हम खाएंगे कहाँ से, क्योंकि हम तो मुंह तो अंदर घुस गया, मुंह अंदर घुस गया, हम खाएंगे कहाँ से, हम दौड़ेंगे कैसे, हमारी प्रॉब्लम्स तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझिए। अहंकारी का सर जो है अंदर रहता है, सर उसका धसा रहता है, समझ में नहीं आएगा, और आँख का अंधा रहता है। तब इन्होंने कहा कि हम तुम्हारी 8 मील की हाथ कर देते हैं, 8 मील का, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर का हाथ कर देते हैं, तुम उससे पकड़ के खा सकते हो। और पेट बोले, अरे जो मुंह है कहाँ से दांत, तो पेट में ही उन्होंने दांत लगा दिया। तो जो ऐसे करके तुम ऐसे डालोगे पेट में, इन्होंने ऐसा इंतजाम किया। सृष्टि विचित्र है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, आश्चर्य हो जाएगा। अब इतना लंबा हाथ और तगड़ा हाथ था, तो अब इससे खाता था। अहंकारी जो है ना, उसका सर धंसा ही रहता है, उसको बस मिलना है कैसे मिले। लेकिन हाथ बड़े लंबे होते हैं, हर जगह हाथ मार देता है, हर जगह श्रेय ले लेता है, हर चीज़ को अपना मान लेता है, किसी को भी पकड़ लेगा, पकड़ना उसका स्वभाव है। अगर हमने एक दिन बोला था, अहंकारी का स्वभाव होता है किसी गलत इशू को पकड़ लेना, गलत बात को पकड़ लेना, गलत दुख को पकड़ लेना, इसीलिए उन्होंने ज़िद्दी होता है। अगर आपके जीवन में कोई है तो आप पता लगा लो, या आप हो तो पता लगा लो, जैसा भी केस हो। हाँ, बहुत जिद्दी होगा साहब, वो छोड़ेगा नहीं बात, बात छोड़ेगा नहीं। आप जितना तर्क वितर्क करो, छोड़ने वाला नहीं उस बात को, ही विल नॉट गिव अप। और सिस्टम कहता है प्लीज रिवाइज योर नोशंस, आप एक बार पुनर्विचार याचिका है, आप फिर से एक बार विचार करिए, थोड़ा मॉडिफाई करिए अपने कॉन्सेप्ट्स को। बहुत जल्दी श्रेय ले लेगा, बहुत जल्दी हमने किया है, हमारा ये कर्म है, यहाँ वहाँ तक तो चल गया। लेकिन अहंकार जो है भगवान का भी श्रेय ले लेता है, इसीलिए भगवान को पकड़ा। एक्चुअली स्पीकिंग
हमने कई बार बोला आपके किसी भी कर्म में मुख्य, अगर कर्म अच्छा हो गया, कर्म गड़बड़ा हुआ तो आपने किया, लो कर्म गड़बड़ा तो हमने किया, अच्छा हुआ तो भगवान ने किया। गुण तुम्हार समझही निज दोसा, यही सब भांति तुम्हें भरोसा। देखो ध्यान देना इस बात को, बोले क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं कि गड़बड़ी तो हमारी है और अच्छाई तो भगवान की है। ध्यान दीजिएगा, अच्छाई आने के लिए बहुत ढेर सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए होते हैं, वो आप नहीं बना सकते। अब हमें यहां बोलना है, अब इसके लिए हॉल भी चाहिए, आप लोग भी चाहिए, लाइट भी आती रहे जैसे तैसे, ऊपर नीचे होती है लेकिन चलता, माइक चलता रहता ही बढ़िया है। हाँ अंधेरा होता है लेकिन माइक चलता रहता है, आपका समय से भोजन भी बन जाए, हाँ जो एक दो कुक हैं वो सब तबीयत ठीक रहे उनकी, आपकी तबीयत ठीक रहे, घर से फोन ना आए, हमारी तबीयत ठीक रहे। हाँ तो बोलिए आप, हाँ भाई हमारी भी तबीयत ठीक रहे, हम भी ठीक से मतलब बोल सकें, हमारे मन में विचार आए, ग्रंथ पे हमको समझ में आए क्या है, ग्रंथ की चाल क्या है। देर आर 100 फैक्टर्स जो कि आपने नहीं बनाया है। एक मुख्य करता है अहंकारी व्यक्ति ईश्वर के क्रेडिट को ले लेता है, यही उसका लंबा हाथ लेके राम जी लक्ष्मण जी को खाने की चेष्टा है। बोले हम रोज ये काम करते हैं, आप करते हैं भगवान की कृपा से करते हैं, इसको जोड़ दीजिए आप बस, हम जाता हूं। मन से बोलिए, गलती हो तो बोलिए हमसे गलती हो गई है, बोलिए भगवान गलती नहीं करवाया, हमसे गलती हो गई है। बहुत डेंजरस है अहंकार, और जब श्रेय ले लेता है तो बहुत उसको खुशी होती है, अहंकार में बड़ी खुशी होती है, देखो हमने काम कर दिया है, एक्साइटेड है हम काफी अच्छा। और उस खुशी में उसके बाद दूसरा आदमी उसके लिए, दूसरे आदमी जो दूसरा समाज है आदमी है वो स्थान नहीं देता है, आपसे हर व्यक्ति अपना स्थान मांगता है। आप बहुत सफल हैं लेकिन आप हमें अपना, हमारा स्थान भी दीजिए, हम भी आपके जीवन में एक भाग हैं, हमने भी ये किया है। इसीलिए बोलते हैं जो महापुरुष होते हैं ना वो सफलता प्राप्त करने के बाद और भी नहीं हो जाते हैं। जितने लोग टॉप पे होते हैं, एकदम टॉप पे, चाहे क्रिकेट में हो, चाहे फिल्म के वर्ल्ड में हो, चाहे संगीत में हो, वो ज़्यादा भी नहीं होते हैं, दे आर मोर हम्बल देन अदर्स। जो शुरुआत वाले होते हैं छुट भैया, ये लोग जो है थोड़ी सी सफलता से वो अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि स्टडी किया है इन्होंने। न्यूटन से पूछा गया आपने इतने लॉज बनाया, आप धन्य हैं, तो समुद्र के पास घूम रहे थे, तो न्यूटन ने बोला कि जितने जितने पत्थर हैं और सैंड हैं उसमें से इतने लॉज हम बस जानते हैं। जबकि हर कोई जो फिजिक्स पढ़ता होगा उसको न्यूटन का लॉ दिखा होगा, लेकिन ये जो है श्रेय खा लेता है भगवान का, और उसके बाद भगवान उसके जीवन में ऐसी उसकी पिटाई करते हैं, एक टाइम आएगा अपना कर्ता हटा लेते हैं, वो धड़ाम से गिरता है, बड़ी फेलियर उसको मिलेगी। वो जो उछल कूद रहा है ना, कोई ना कोई अभिमान तोड़ने के लिए आएगा। ये इन्होंने बताया, कबन ने बताया, हाथ कट गया, बोले आप राम लक्ष्मण हैं, बोले ये कहानी है, और अब जो है हम फिर से अपने पुराने वाले रूप में आने वाले हैं।
तो राम जी ने कहा भाई तुम तो आने वाले, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हमारा भी तो कुछ काम करो, हमारा कुछ काम करो, क्योंकि अहंकार कटने का मन है, मतलब है कि आप ईश्वर की कोई प्लानिंग है, कहीं कुछ ईश्वर बनाना चाहते थे, आपको उसमें उन्होंने एक कहीं न कहीं से अपना कुछ आपसे करवाने के लिए यूज़ किया, निमित्त मात्र भव स्वस्य वचः। बोले हमारा भी तो कुछ काम करो। बोले क्या काम करें? बोले हमारी पत्नी सीता जो है रावण ले गया, वो रावण है कहाँ, कौन है, इसका डिटेल क्या है, रास्ता कहाँ तक पहुँचने का है, कैसे पहुँचें, तुम्हारा क्या है इसमें? बोले ऐसा है, आप पहले हमारा शरीर जलाइए, हमें कुछ ज्ञान नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा ये श्रापित शरीर है, आप इस शरीर को जला दीजिए, और फिर जो हमारा ओरिजिनल शरीर था, स्थूल शिरा ने जिसको देखा था, उसके बाद ही हम आपको सब ठीक ठाक बता पाएंगे। तो इन लोग ने लकड़ी उकड़ी मंगवाया, तो शरीर जला दिया। जब शरीर जला दिया तो एकदम से तेजस्वी सा जैसा था वो पहले, वैसे प्रकट हुआ, और उसको सारा ज्ञान हो गया, और ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टेल कि सुग्रीव आपकी मदद करेंगे। देखो ये आपको सुनाते हैं, ये 72nd चैप्टर है, 72 देखो 9th 11th श्लोक। श्रूयताम राम वक्ष्यामि सुग्रीवो नाम वानरः भ्रात्रा निरस्त क्रुद्धेन वालिना शक्र सूनुना। ये बात आप देखिएगा, उन्होंने बोल दिया, और बड़ी सुग्रीव की बड़ी प्रशंसा किया इसने, जिससे आपका मन, हाँ देखो क्या क्या शब्द लिखा है, देखो 13 श्लोक देखो। वानरेंद्र वानरों का ही राजा है, सुन लो, महावीर बहुत शक्तिशाली है, तेजोवान है, बहुत तेजस्वी है। भाई किसी डॉक्टर को रिफर करोगे तो कुछ तो तारीफ करो उसके। बोले शहर के बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट सर्जन यहाँ के हैं ये, तभी तो आदमी इंस्पायर होगा जाने के लिए। हाँ नंबर वन पे इस समय यही पे हैं, हाँ इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ऑपरेशन किए हैं, तब इंस्पिरेशन इसकी बात जाओ। सत्य संधा, एकदम सच बोल, विनीतश्च धृतिमान मतिमान महान दक्ष, हाँ वो दक्ष, हर काम बहुत फास्ट, प्रगल्भ तेजस्वी है, द्युतिमान है, बहुत चेहरे पे तेज है, महाबल पराक्रमा, बहुत वीर है। बोले इस सब तो झूठ बोल रहे हैं ये, नहीं, राम जी से मिलने के बाद सुग्रीव वैसे ही होंगे। किसी को भविष्य की वृत्ति से आप देखने का अभ्यास कीजिए। जिस दिन डॉक्टर MBBS पास करता है लड़का, उसको पता नहीं कि आला कैसे लेते हैं स्टेथोस्कोप, और बोलता है ये डॉक्टर साहब गया नहीं है मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर साहब आइए आइए इंजीनियर साहब, वो गया नहीं है एक दिन और भगवान की भी यही स्टाइल है। उन्होंने बोला भाई देखो, जिस दिन व्यक्ति सोच लेगा कि हमको इस मार्ग पर चलना है, साधु रेव समन्तव्य। आप जरा सा अंदर की बात जानिए। हाँ बोले सते सहायो मित्रम च सीतायाः परिमार्गणे भविष्यति ही ते राम मा च शोके मना कृथाः। बोले आप परेशान मत हुए राम जी, सब कुछ आपको सीता जी मिल जाएंगी, और ऐसा कह के वो चले गए। कौन? कबन चले गए। अब तो वो उस स्थिति से दूर हो गए। जब किसी को लगेगा ना कि अहंकार ने हमको बहुत कष्ट दिया है, तब अहंकार कम होता है। अहंकार हमें जितनी भी जीवन में दुख मिला है, सब हमारे अहंकार ने दिया है, थोड़ा इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। बोलेंगे अकेले में करिए, किसी से बोलिए मत, वरना और सुनाएगा।
लेकिन आप अंदर ही अंदर बोल दीजिए कि हमारा अहंकार है, हम ज़रा टेंशन सीकर टाइप हैं, हम टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, निगलिजेंस नहीं टॉलरेट कर पाते हैं, बहुत तेज उखड़ जाते हैं, नाराज जाते हैं, किसी से बात करना छोड़ते छोड़ देते हैं, किसी को अवॉइड करते एकदम अवॉइड कर देते हैं, बड़ी हार्ड पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं हमारे अंदर है, हम ऐसे सिंपल से नहीं हैं। अंदर ही अंदर आप बात कर लीजिए भगवान से और ऐसा कह के बोलिए हम आपको देना चाहते हैं, हमारा अहंकार आप ले लीजिए। अब जो है वो प्रसंग जिसके बारे में आप शायद सब लोग प्रतीक्षा करते हैं, जानते भी हैं, ये शबरी जी का प्रसंग। शबरी जी का प्रसंग आध्यात्म रामायण में अलग है थोड़ा सा, नवधा भक्ति वहाँ पे बताया है, इसमें नवधा भक्ति नहीं है इस रामायण वाल्मीकि रामायण में। तो गोस्वामी जी ने कुछ वहाँ से लिया, कुछ यहाँ से लिया, और नवधा भक्ति बताया है। हम हमारे हमारे मन में कोई संशय कभी आता नहीं है कि कौन ग्रंथ है, क्योंकि शिव जी ने बोला अध्यात्म रामायण। तो बहुत सुंदर सा करेक्टर है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब ये भगवान पहुँचे राम जी, याद रखिएगा किसके पास पहुँचेंगे, श्रद्धा संकल्प तपस्या क्रिया कष्ट, पांच पांच पॉइंट था अगर आपको स्मरण हो तो। ऐसे नई परिस्थिति बन जाती है, आप परिस्थिति को बना सकते। आज जो परिस्थिति है इस पे हमारा वश नहीं है, आगे जो परिस्थिति आने वाली उस पे आपका वश है। व्हाट है प्रारब्ध बन गया वो बन गया, लेकिन आगे क्या प्रारब्ध बनेगा वो आप उस पे कंट्रोल कर सकते हैं आज भी। इट्स नॉट टोटली होपलेस सिचुएशन। आगे डिपेंड करता है कि आपने क्या कर्म किया है, कौन सी आपकी श्रद्धा है। तो शबरी के पास ये दोनों लोग गए। छठा शबरी को देखी, देखे तौ दृष्ट्वा तु तदा सिद्धाः समुत्थाय कृतांजलि ही पादौ जग्राह रामस्य लक्ष्मणस्य च धीमता। 74 चतुस्सप्ततमी सप्ततितमा है ना, मिल गया है 76 74 है भाई, 74 का 6 सेवेंथ वर्स है, 6 तो सेवेंथ वर्स है 74th का। बोले हम ऐसा चाहते हैं कि आगे हम कभी हों तो हमारा मन शांत रहे, हमारा भाई पास संत लोग रहें, खूब सत्संग हमको मिले दिन रात। ऑर्डर कर दो फिर। ऑर्डर कर दो आर्किटेक्ट को, भाई आर्किटेक्ट को बुलाओ तो आपको बोलना पड़ेगा भाई देखिए आप ये बेडरूम बड़ा रखिए, साउथ वेस्ट कॉर्नर पे रखिए, मास्टर बेडरूम है ये, किचन ऐसी रखिए, टीवी रूम रखिए, यहाँ ये रखिए, यहाँ ये क्यों बना के देगा नहीं देगा, पैसा मांगेगा। टेन % जो कॉस्ट है, जो आपकी टोटल कॉस्ट है सारे बिल्डिंग की, उसका 10% शायद इतना ही फीस है। अच्छा वो बढ़ भी जाती है, मान लीजिए कि 2 करोड़ का आपका है प्रोजेक्ट, अरे कम से कम 10 करोड़ रखा जाए, 2 से क्या। तो हाँ भाई ठीक ठाक घर बनवाया जाए, 10 करोड़ का आपने घर बना लिया, 1 करोड़ गया, ये नहीं कि आपको बना के दे देगा, उसको दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें। उसमें दिमाग लगाएगा, उसमें तरह उसके भी स्टाफ होगा, उसका 3D देगा, 2D देगा, पता नहीं क्या क्या देगा, फिर आपको आप करेक्शन करवाए करेगा, लेकिन आप पैसा जरूर चाहिए। आप अपना संकल्प बना लीजिए, उसके साथ पैसा भी दीजिए, पुण्य करिए। थोड़ा जप वप करिए, पूजा करिए, दूसरों से आशीर्वाद लीजिए, लोगों को इतनी सेवा करें कि सबको लगे कि आपकी जो इच्छा हो भगवान पूरी करें, आपने बहुत दिया है, वेल डन। क्या नहीं बन सकता भाई, शबरी ने यही किया था।
बहुत लोग थे, सब भगवान तो किसी के यहाँ नहीं गए। हाँ तो चलते हैं हम लोग भी भगवान के साथ, शबरी के पास चलते हैं। हाँ तुलसी रामायण जो मीठी ज़्यादा है तो वहाँ काफ़ी, उसके तो गाते भी हैं, उसमें तरह तरह का है। यहाँ श्लोक हैं संस्कृत वाले तो लोग गा नहीं पाएंगे, वहाँ बोलते हैं सबरी देखी राम ग्रह आए मुनि के बचन समझी जिय भाए श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपटाई सबरी परी चरण लपटाई। जरा मीठा सा है वो, स्वीट स्वीट है। चरण में लपट गई। और यहाँ पे क्या हुआ, सबरी के लिए एक शब्द देखो, सबरी तो पांचवें श्लोक में आ गया है, सुरम्यम। हाँ शबरीम अभ्युपेयतु, क्योंकि ड्यूअल है इसलिए पेयतु है। तौ दृष्ट्वा तु तदा सिद्धा, यहाँ सबरी के लिए सिद्धा शब्द आया है। शी वॉज ऑलरेडी सिद्ध, मतलब अकम्प्लिश थी सबरी के लिए। भगवान राम वाम बोलते हैं सब प्रकार भगति दृढ़ तोरे, नवदा भक्ति में सारी तो हमें सारी भक्ति है, नौ में से नौ सारी है। अब हाथ जोड़ा और दोनों पैर पकड़ लिया, भगवान राम के भी लक्ष्मण का भी पैर, दोनों का पकड़ा, आचमनी दिया, पांच पाद्यम दिया, ये सब। उसके बाद तो राम जी ने बहुत बढ़िया से कुछ प्रश्न किए जो कि सब साधकों के करना चाहिए। आठवां नवां श्लोक आप टिक ना करिएगा, अंडरलाइन या कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कच्चित्ते निर्जिता विघ्नाः कच्चित्ते वर्धिते तपः कच्चित्ते नियतः कोपः आहारश्च तपोधने कच्चिच्चे नियमा प्राप्ताः कच्चित्ते मनसः सुखम कच्चित्ते गुरुशुश्रूषा सफला चारुभाषिणी। बोले भाई शबरी एक बात बताओ, देखो मूड ठीक है इनका, हाँ कोई ऐसा नहीं कि परेशान है। बोले एक बात बताओ, कच्चित्ते तुम्हारे सारे विघ्न खत्म हो गए। आठवां श्लोक देखो, 18 श्लोक है, आपके जो विघ्न थे सब खत्म हो गए, मतलब मन के जो विकार थे, काम क्रोध इत्यादि सब शांत हुए क्या? दिस इज द फ्रूट। किसी साधक की पहचान है कि अंदर उबाल तो नहीं आते आपके अंदर, आपके अंदर अपेक्षा विपेक्षा तो नहीं है, चिंता तो नहीं है, काम तो नहीं आता, क्रोध तो नहीं है, ममता तो नहीं है, वो विघ्न है। विघ्न मतलब विशेषण हंति, जो हमारी साधना को मार दें। कच्चिच्चे कच्चित्ते, कुछ आपके विघ्न चले गए। कितने विघ्न गए भाई, ईर्षा तो नहीं है? आपने किया क्या 30-40 साल, आपने किया क्या क्या, ये सब में काम नहीं किया? क्या ये सब आपने वर्कआउट नहीं किया था, इसके लिए कुछ तपस्या वगैरह नहीं किया था? कच्चित्ते वर्धते तपः, आपका तप बढ़ा क्या कुछ? हाँ कुछ आपका तपस्या वगैरह बड़ी कुछ, मतलब जो बड़े लक्ष्य के लिए आपकी संकल्प शक्ति थी वो बढ़ी कुछ, मुमुक्षत तो बढ़ा? भगवान राम बोल रहे हैं कि नहीं बढ़ा। जैसे जैसे कोई साधना करेगा उसके संकल्प और दृढ़ होता है कि हमें तो भगवान प्राप्ति करना है, हमें तो आत्मज्ञान प्राप्ति करना है, कैसे नहीं होगा इसकी ऐसी की तैसी, इसको करेंगे प्राप्त, हमने मन को तो कंट्रोल करना ही है, हमें अपने मन को नियंत्रित करना ही है, कैसे नहीं होगा? फिर बोलते हैं कच्चित्ते नियता कोपा, आपका क्रोध नियंत्रित हो गया। सुन लीजिए भाई, जिसको क्रोध आता हो, जिसको ना आता हो कोई बात नहीं। क्रोध नियंत्रित हुआ मतलब कि आपका अहंकार कम हुआ। अहंकार कम होना इज अ साइन ऑफ क्रोध, या कामना कम हुई। क्रोध के लिए तो आपको अहंकारी होना पड़ेगा,
अहंकार कम हुआ, कच्चित्ते नियतः कोपः, नियत हो गया क्रोध। क्यों भाई, अच्छा है ना ये एक क्या बोलते हैं उसको, चेकलिस्ट बना रहे हैं क्या क्या कम हुआ है, क्या क्या ज्यादा हुआ है, क्या क्या हुआ है। आप मतलब ऐसे ही आप जीवन फूंक रहे हो, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, किचन से बाजार, बाजार से किचन, सुबह हुई शाम हो गई, फिर शाम हुई फिर सुबह हो गई, फिर सुबह हुई फिर शाम हो गई, यही कर रहे हो तुम। ये कुछ फायदा भी हो रहा है? यही हुआ कि बच्चे की शादी हो गई, बहू अच्छी आई है, हाँ दामाद आए हैं, अच्छे दमालू खाते हैं दामाद यही है। ये कुछ और भी प्रोग्रेस हुई है कि मकान जो है रिनोवेट हो गया, पेंटिंग में लगवाया था पेंट, आज पेंटर जा रहा है, लाइटिंग लगनी बाकी है, अच्छा किचन का वर्क होना बाकी है, फर्निशिंग नहीं हुई है, बाकी सब हो गया है, अच्छा उसमें काम है, वहाँ फर्निशिंग का बहुत काम है, तब मुक्त हो जाएंगे फर्निशिंग। यही सब हम लोग का 2 कौड़ी का लक्ष्य होता है। वो जो है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम उसका, स्लैब जो होता है, हाँ नहीं टाइल्स जो उस पर, ग्रेनाइट, हाँ ग्रेनाइट, बोले ग्रेनाइट ऑर्डर किया है तो अभी आई नहीं है, ग्रेनाइट ख़त्म हो गई थी, तो आज फ़ोन लगाया तो उसको कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन लगाया तो बोला कि नहीं नहीं अगले मंडे तक आ जाएगी ग्रेनाइट। उसने बोला कि अगले मंडे तक ग्रेनाइट आ जाएगी, हाँ तब उसके बाद किचन वाला काम काफ़ी पूरा हो जाएगा, फिर जो उसके जो ड्रॉअर लगाने हैं उसमें काम चल रहा है, हमने उसको वो जो हैंडल थी ऑर्डर किया था ड्रॉअर वाली, हाँ मॉड्यूलर, अच्छा अच्छा क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं है, तो वो जो है वही आनी बाकी है, बड़ा काम, बहुत पैसा बहुत खर्चा हो रहा है, पानी की तरह पैसा जा रहा है, अच्छा हाँ अब बैंक भी लोन नहीं दे रहा है तो अब पूरा जितना हो सकता हम करके रहेंगे। फिर हमने बुलाया भैया उनको, हॉर्टिकल्चर वालों को और लैंडस्केपिस्ट को बुलाया कि आप जो है लॉन वगैरह बताइए कैसे होंगे। एक माली पकड़ा है बगल वाले खरबंडा साहब थे, उनसे कहा कि हमने कहा कि भाई आप अपना माली भेज दीजिए, जब तक नहीं आ रहा है तो कल से उनका माली आएगा तो काम बाहर वाला भी शुरू होगा। हम आज से तो हम ही दे रहे हैं पानी, पाइप लेके हम ही जरा सींच वींच रहे हैं, इसी में टाइम चला जाता है स्वामी जी। अब वो बेटा आ रहा है अमेरिका से, अच्छा हाँ टेक्सास से आ रहा है, टेक्सास से, ह्यूस्टन वही है ना, तो टेक्सास से आ रहा है बेटा, अच्छा हाँ उसके लिए हमने अलग से एक एसी लगवा दिया है कमरे में, एसी लगवा दिया है, बाथरूम वगैरह ठीक करवा दिया है, हॉट कोल्ड का सब इंतजाम कर दिया है, उसमें हमने आज ही लगवाया है, इसी समय दिन बीत गया, अच्छा पत्थर गिर पड़ा था हमारे हाथ में चोट लगी, तो सर पे तो पत्थर नहीं गिरा, नहीं नहीं सर पे नहीं। देखो साधारण व्यक्ति यही सब गोल होता है, 2 कौड़ी का, ना तो कोई तपस्या होती ना जब कोई चेकलिस्ट होती नहीं कि हम जब 20 साल के थे तो हमारा स्वभाव कैसा था, आज हम 40 के हैं तो स्वभाव क्या है, आज 60 के हैं तो स्वभाव में, लेट अस ऑनेस्टली रिव्यू कि हमने कौन सी साधना किया, हमारा स्वभाव बदला कि नहीं बदला, हमारा जब बढ़ा, हमारी पूजा बढ़ी, या हमारे इंटरेक्शन में हम ज़्यादा क्वाइट हैं, हम जो इश्यूज हमको पहले परेशान करते थे, और आपको बता रहे हैं अगर आपको 2-3 पॉइंट भी अपने जीवन का मिल जाता है ना तो आप बहुत सुखी हो जाते हो, कि हमारा वो स्वभाव नहीं है, हमें क्रोध नहीं आता है, हम इतने अटैच नहीं हैं। तो बोल रहे हैं कच्चित्ते नियतः कोपः आहारश्च, आपका आहार नियत है, नियत शब्द यहां भी जाएगा, कच्चित्ते नियतः आहार, आप ऐसा तो नहीं कि आप बहुत यार
बड़ा कॉमन वर्ड है, मैं फूडी, आई एम फूडी, पता नहीं क्या मतलब है इसका, शायद यही मतलब है कि बहुत खाना पसंद है, अलग अलग डेलिकेसीज उनको पसंद है। हाँ, अगले जन्म में तुम भी डेलिकेसी बनोगे। आई एम ए फूडी, ऐसा तो नहीं कि आपकी बहुत टेस्ट, बहुत ज़्यादा टेस्ट आ रहा है आपको, बहुत सिंपल सा खा सकते हो क्या बिना नमक के? हैं, बिना नमक के, बिना चीनी के, बिना गरम मसाले के, हाँ, फल फ्रूट ये सब खा सकते हो क्या? हाँ, सैलेड बिना ड्रेसिंग के, इस तरह का सिस्टम कुछ कर सकते हो क्या रोज? हाँ रोज, सिंपल सा फूड रहेगा। कच्चित्ते नियता, बल्कि उम्र बढ़ने के साथ जवान और चटकार हो जाती है। जैसे जैसे आदमी मरणासन्न होता है ना, जिसको सब भूल जाता है, यही याद रखता है कि आज वो पकौड़ी बनवा दो, डिमेंशिया हो गया है, पकौड़ी याद है। वो बोलेंगे कि उड़द वाली पकौड़ी जो बनती थी, हाँ, जो लखनऊ वाली मौसी बनाती थी, ये सब प्रेजेंट से भूल गए, वो याद रहेगा। ऐसा ऐसा जो स्वाद बनाना चाहिए कि हमारा स्वाद बहुत सिंपल हो जाए। कच्चित्त नियमा प्राप्ता, आप कुछ नियम धारण कर पाते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे। कच्चित्त मनसा सुखम, आपका मन में सुख तो है, ये सब उनके लिए नहीं, हम लोग के लिए है, उनको सिद्ध थी, ये तो हम लोग के लिए चेकलिस्ट बना रहे हैं भगवान, देखा आपने। कच्चित्त गुरु शुश्रूषा सफला, जो आपने गुरु की सेवा किया वो सफल हो गई। हाँ, इसके पहले उन्होंने खिला वेला दिया था, वो पोर्शन नहीं है इसमें, लेकिन बाकी रामायण में है, तुलसी, बाकी रामायण में भी है। एक्चुअली वाल्मीकि को खाना पीना कम पसंद था, शायद वो पोर्शन हटा दिया। तो सादर सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठा, उन्होंने आसन फैलाया, अच्छे से बड़ा सुंदर सा प्रसंग है शबरी का। शबरी के सबको पता ही होगा उनके बारे में, इनकी कोई सेवा नहीं थी, आश्रम वालों ने इनकी सारी सेवा काट दी। आश्रम के जो लोग थे इसको पसंद नहीं करते थे, कि सबसे नीची जात की थी। सो शी वॉज नॉट वेरी मच वेलकम, कह लो, मना नहीं कोई करता था, शी वॉज नॉट वेलकम। तो जो गुरु जी इनके जहाँ से, उन्होंने मन में गुरु मतंग ऋषि को माना था। अब देखो, जिसको सेवा करनी हो तो रास्ता निकाल लेता है। जब रात में सब सो जाते थे तो गुरु जी जिस रास्ते से स्नान करने जाते थे, उस रास्ते पे कंकड़ पत्थर वो 2-3 बजे रात से हटाना शुरू करते थे, यही सेवा थी। गुरु जी बोलेंगे कोई तो है, चूँकि निशान दिख रहा है, झाड़ू का निशान है, लोगों का भाई हमने नहीं किया है, पता लगाया गया, रात में कोई पकड़ा गया, बोले देखो कौन है रात में, तब बोले कि यही है जिसको ले आया गया शबरी के मतंग ऋषि के पास। उन्होंने कहा देखिए आप श्राप पाप मत दीजिएगा, क्योंकि हमारा जीवन वैसे ही श्रापित है, हमें कोई संत नहीं मिला, संत ना होना यही श्राप का निशानी है, हमें आपके पास बहुत दिन लगा आने में। मतंग ऋषि ने कहा, खुश हो गए मतंग ऋषि, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास भगवान आएंगे। बहुत सी कहानियाँ हम तो कट शॉर्ट कर रहे हैं, और जिस समय भगवान आएंगे उस समय थोड़ा भूखे भी रहेंगे, तुम तैयार रहना, ही नहीं कि उस समय फल वल तोड़ने जाओ, तुम तैयार रहना, वो फल वल खाएंगे। शबरी रोज फल तोड़ती थी, रोज भगवान का आसन सजाती थी, और बुढ़ी थी, हाँ, शी वाज़ अ रिंकल लेडी, तो ऐसे फल वल तोड़ के इसकी एक साधना थी कि राम राम कह के ऐसे देखती थी, दिखता कम था, तो कोई अगर उधर से आता था तो पूछता था कि आपको राम लक्ष्मण करके कोई दिखे क्या, बोले तुम रोज मत पूछा करो, सालों यही किया शबरी ने।
और शाम को वो आसन को हटाती थी बड़े दुखी मन से कि आज भी राम नहीं आए। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये उदाहरण है हमारे यहाँ। फिर लोग बोलेंगे निकालेंगे कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी क्यों बोला। अब देखो कितना आदर भगवान देने वाले हैं। अब जब ये इनकी समाधि होने वाली थी मदंग ऋषि की, तो इन्होंने बोला कि हम भी आपके साथ समाधि लेते हैं। तो मतंग ऋषि ने कहा कि आपका काम पूरा नहीं हुआ है अभी, भले आप भगवान को आने दीजिए, जिस दिन वो आ जाएंगे आपके आपके पास आप उनकी सेवा कर लीजिएगा, फिर आप समाधि में चले आइएगा हमारे साथ। शिष्य को लगता है भाई गुरु के साथ हम भी समाधि ले लें, हम भी नहीं रहेंगे, ये नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। तो इनको लगा कि हम भी नहीं रहेंगे, अगर आप नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, ऐसा लगा इनको। अब वो दिन आज आ गया। बोलते हैं कि शबरी जूठे बेर भी खिलाती थी, हालांकि इसमें तो नहीं लिखा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता जूठे बेर, लेकिन ये जरूर था कि बहुत पास बैठ के, क्योंकि दिखता कम था उसको। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी, अच्छे से कंद मूल फल दिया और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। भगवान प्रशंसा, बोले शबरी ये बहुत बढ़िया अमरूद है, ये बहुत बढ़िया बेर है, ये बहुत बढ़िया जो है संतरा है, जो कुछ भी फल हो, भगवान ने अच्छे से उसको खाया बैठ के, और फिर ये सब कन्वर्सेशन शुरू हुआ उसके बाद, क्योंकि भूख लगी थी, अच्छे से खावा लिया। अब इनका काम पूरा हुआ। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, शबरी की तरह आप खिलाते नहीं। सालों तक कि हम लोग दो ही दिन में छोड़ दें, अगर हम लोग आसन वासन रखें और भगवान ना आए, बोले बेकार में हमारे गुरु जो है हमको परेशान कर रहे हैं, आए आएंगे थोड़ी ना, जिस दिन आएंगे देखा जाएगा उस दिन। हम रोज आसन रखते हैं, फूल उल तोड़ते हैं, ये आते ही नहीं है। जिसका बहुत विश्वास होता है ना, वही इस मार्ग में बहुत बड़ी चीज प्राप्त करता है। कितना विश्वास है उतनी उतने दिन तक आप प्रतीक्षा करिएगा। विश्वास की बेटी है कि आई कैन वेट फॉर एंडलेस टाइम, हम वेट करेंगे। और भगवान तो संकल्प जितना पक्का होता रहता है ना, हमने बोला था कि श्रद्धा संकल्प, संकल्प नहीं होगा तो फिर आपका आपकी वो परिस्थिति बदलेगी नहीं। आपको एक बात सुना देते हैं, हो सकता है मेटेरियलिस्टिक सिचुएशन ना आए, हम बहुत पैसे वाले बन जाएं, क्यों, क्योंकि इसमें अहंकार है, या हमारा बेटा बहुत बन जाए, होगा ये भी अगर आप पुण्य करिएगा, लेकिन हमें गुरु मिले, हम दिन रात सत्संग करें, हम शांत रहें, ये जो स्पिरिचुअल संकल्प होता है ना, इसके पूरे होने की चांसेस हाई रहती है, क्योंकि इसमें अहंकार नहीं रहता। हाँ तो बोलिए, बोले हाँ हाँ हम सब समझ रहे हैं, हम एग्री करते हैं आपकी बात, लेकिन हम लोग लेते नहीं इस तरह का संकल्प, हम लोग बहुत कमजोर हैं संकल्प लेने, हमें विश्वास ही नहीं होता, और कुछ लेते भी तो कुछ करते नहीं उसके लिए। जब हमें हम किसी संकल्प के लिए कुछ कष्ट सहते हैं तो वो संकल्प तीव्र हो जाता है। हमने सोचा कि जब तक आप नहीं आएंगे हम नहीं खाएंगे खाना, हमने सोचा, हम सोचेंगे नहीं जैसे बता रहे हैं, तो आपको बुलाने का संकल्प और तीव्र हो जाता है। जब भूख लगती है बोले आ क्यों नहीं रहे हैं, बिना तपस्या के कोई बड़ा संकल्प तीव्र नहीं होता। ये नहीं कि हमने बस ऐसे सोल के कैजुअली सोच लिया कि ये हो जाएगा, नहीं, आप कुछ उसके साथ आप तप करो कि हम रोज पाठ करेंगे इसके लिए, रोज बैठेंगे इसके लिए, लेट इट बिकम मोर स्ट्रॉन्गर इन लॉर्ड्स माइंड। अब शबरी जी ने जवाब दिया सबका, एक जीवन जीने की एक अलग तरीका है। हाँ, यू कैन मेक योर लाइफ वंडरफुल, लेकिन हम लोग कुछ संकल्प नहीं लेते, लेते भी हैं तो डर रहता है
उसके साथ कहीं पे ईश्वर को हिला देने की ताकत नहीं होती है। ईश्वर को हिल जाए, क्योंकि देना उन्हीं को है, आएगा उनके पास, कुछ भी हो सकता है, आप चिंता मत करिएगा। वो दिख भी सकते हैं आपको, दिन रात सत्संग दे सकते हैं, आपका काम क्रोध हटा सकते हैं, आपका अहंकार हटा सकते हैं, आपको जिस एरिया में आप परेशान हैं वो ठीक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बोले समाधि दिलवा सकते हैं, ऑफकोर्स, समाधि तो क्या है, आप महर्षि पतंजलि का सूत्र पढ़िए, उन्होंने पहले ही अध्याय में सारे समाधि का वर्णन करने के बाद एक लाइन लिखी, ईश्वर प्रणिधान अथवा ईश्वर प्रणिधान से समाधि लग जाएगी। हम क्या बोल रहे हैं आपसे मांगने वाले हम लोग, हमको पता नहीं कैसे मांगते हैं इसीलिए हम ऑर्डिनरी पर्सन का स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट बहुत वीक होता है, क्योंकि उसने मांगा नहीं है, उसने पुण्य नहीं किया ना कर रहा है आज। स्पेशली कुछ पाठ करो, स्पेशली कोई जप करो। बोले जो कर रहे हैं वही बहुत ज्यादा हो रहा है, उसमें और जोड़ो, उसी को कुछ करो, रेगुलर करो, क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। रामेण तापसी पृष्ठा सा सिद्धा सिद्ध, 10th श्लोक, सब सबरी वृद्धा रामाय प्रत्यवस्थिता अद्य प्राप्ता तपस्सिद्धि तव संदर्शनान्मया अद्य मे सफलम जन्म गुरवश्च सुपूजिताः अद्य मे सफलम तप्तम स्वर्गश्चैव भविष्यति त्वयि देववरे राम पूजिते पुरुषर्षभ तवाहं चक्षुषा सौम्य पूता सौम्येन मानद गमिष्यामि अक्षयान् लोकान् तत्प्रसादात अरिंदम। देखो ये बहुत अच्छे श्लोक है, उन्होंने बोला सा सिद्धा, दिज्ञा सिद्धा दिज्ञा ना सबरी के लिए, हाँ सिद्धा दोनों बार आ रहा है, सिद्ध सम्मता सिद्धा, उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। और कैसी थी वृद्धा, वृद्धा वृद्धा मतलब ज्ञान, वृद्धा मतलब शरीर से वृद्ध थी लेकिन ज्ञान से वृद्ध थी, ज्ञान वृद्धा, न संति सभा यस्मिन न संति वृद्धा, वो सभा नहीं इसमें वृद्ध ना हो। राम जी बोले बोले आज हमको मिल गया ना सारी तपस्या का फल मिल गया आपके दर्शन से, जो हमने गुरु की इतनी सेवा किया था आप मिल गए बहुत इजी क्वेश्चन आपने पूछा हमसे शबरी के लिए बहुत इजी क्वेश्चन था वो, सब हम ही लोग ऐसे हैं बैठे हुए। अद्य मे सफलम तप्तम स्वर्गश्च भविष्यति, बोले क्या चाहिए भाई आपको, हैं क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए आपको, दिन रात क्या चाहिए, हम तुमको सब दे देंगे। बोले आपकी पूजा करें और हमको सब स्वर्ग मिल गया। देखो ये देखो लिखा है यहाँ पे, मतलब पूजा किया था इन्होंने, पूजा में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जानते हैं क्या है बताइए, नैवेद्य, नमस्कार तो है, जैसे आप किसी को बुलाए तो कितना अच्छा घर था, हाँ म्यूजिक लगा दिया आपने, वो सबसे अच्छा है, खिलाया क्या वही याद रहता है ज्यादा, लेकिन कोई आए बोले बैठिए कैसे हैं चौरसिया साहब, बोले ठीक है, और बहुत मीठी मीठी बात किया भाई, बहुत मीठी मीठी बात किया, बच्चे कैसे हैं, बड़ी लड़की कैसी चल रही है, आजकल पढ़ाई कर रही है कि नहीं कर रही है, आप गिर गए थे 2 महीने पहले ठीक हो गया, बोले हाँ ठीक हो गया, 1 घंटे बैठेंगे आपको नहीं कुछ ले आए तो कुछ तो ले आए आप, पानी पिलाएं, पानी के साथ कुछ नाश्ता हो जाए, पानी हो जाए, कुछ जो कुछ भी घर में हो, कुछ खाना पीना हो जाए, उससे कंप्लीटनेस आती है, भले घर छोटा हो, हाँ इन्हें बोले बहुत अच्छा खाना हो लेकिन प्रेम से कुछ थोड़ा सा खिला दे तो वो इंप्रेशन ज्यादा रहता है। तो भगवान की पूजा में भी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप अर्चना इत्यादि कम है, नैवेद्य सबसे इंपॉर्टेंट है।
बोले ये तो हमें पता ही नहीं था। नैवेद्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खिलाए क्या उनको। नैवेद्यम निवेदयामि, इसलिए मंदिर वगैरह में नैवेद्य बहुत लगता है। उसकी बिना पूजा ठीक नहीं होगी। भगवान को भी चाहिए समय समय से नैवेद्य। जब जितना कोई नैवेद्य देगा उतना वो अनुग्राहक बनते हैं, उनको लगेगा कि सच में ही हमको मानता है खाने वाला। अगर खाने वाला मानता है तो देने वाला भी मांगता होगा। आप खिलाओगे ना, हम तो बोलते हैं खिलाए बिना संबंध ही नहीं मिलता, कुछ आप खिलाओ उनको। शबरी ने भी खिलाया, ओ है ना। आप छोटी पॉइंट देखिए। अब फिर उन्होंने बोला कि हमको, हम तो अपनी बात बताई कि हम जा रहे थे तो हमारे जो गुरु, उन्होंने मतंग ऋषि का नाम नहीं लिया लेकिन गुरुवह बोला है। गुरु के साथ प्लूरल शब्द यूज करते हैं, गुरुवह शब्द बोलते हैं। हाँ आप समझ रहे, सिंगुलर प्लूरल। हाँ बोलेंगे राम, रावण आ गया, रावण आ गया, राम आ गए, रावण आ गया, मतलब एक ही है वो। हाँ बड़े लोगों के लिए आप बोलते वो आ गए, नहीं बोले राम आ गया, क्योंकि राम कई के बराबर है इसलिए प्लूरल है, इसलिए प्लूरल हो गया। वो राम इज इक्वल टू मेनी। श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुवे नमः भी है, गुरुभ्यो नमः भी है। शायद एक ही गुरु है लेकिन अनंत गुरु के बराबर है वो, इसलिए गुरुभ्यो नमः कर दिया। तो बड़े लोगों के लिए पूरा नहीं बोला जाता है। हाँ पिताजी आ गए, ये पिता आ गया मेरा। तो वो जो है प्लूरल हो गया। अच्छा इंग्लिश में ये सुविधा नहीं है, अंग्रेजी में फादर हैज कम, गुरु हैज कम। अब उससे समझ में आ रहा कि वो बड़े हैं कि छोटे हैं। वो नहीं बोल सकते गुरु, गुरु आर कमिंग, वो नहीं बोल सकते, वो नहीं आएगा वहाँ पे, वो गड़बड़ हो जाएगा, वो उसके उनमें है ही नहीं। लेकिन संस्कृत में ये सुविधा है और हिंदी में ये सुविधा है। इन्हें गुरुवा ही बोला है, मतलब नाम लिया ही नहीं शबरी ने कहीं पे। ये तो हर जगह मतंग ऋषि आया, बोले हम जा रहे थे उन्होंने बोला ऐसा ऐसा है। और भगवान ने एक आध बात बोली, राघव प्राह विज्ञानी, 19 श्लोक देख लो, उसको अंडरलाइन कर लो। राघव प्राह विज्ञानी ताम नित्यम अबहिष्, बोले शबरी तुम बहिष्कृताम, तुमको तो कुछ छूने दिया नहीं जाता था। बोले नहीं, लेकिन तुम विज्ञान में ऐसा, तुम्हारे ज्ञान में ऐसा नहीं कि तुमको नहीं छूने दिया। यू आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम नॉलेज। देखो राघव प्राह विज्ञाने ताम नित्यम अबहिष्कृताम, तुम ज्ञान में तुमको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता, तुम्हें पूरा ज्ञान हो गया है। दनोहो, ये तो हमको बताया उसने, किसने, कबंद ने। ये कबंद अच्छा मिल गया इनको तो। हाँ तो काटा लेकिन उसने काम अच्छा किया। तो बोला ये है। और फिर उन्होंने बोला, भगवान ने बोला एक बात बताओ, बोले जो गुरु जिस स्थान पर रहते थे वो स्थान है, बोले है अभी भी है वहाँ पे। आप अगर जाते हो शबरीमला की तरफ है तो वहाँ पे अभी भी इनका स्थान है, शबरी का स्थान अभी भी है। बोले हाँ, इहते भावित आत्माना गुरुवो में महाद्युते जुहवास चक्रेरे नीडम। वाह, आप देखो 22वां श्लोक देखो, 22वें श्लोक की ब्यूटी देखो आप। उन्होंने लिखा है कि हमारे गुरु जो हैं गायत्री मंत्र इत्यादि कर, मंत्रवत मंत्र पूजितम। हाँ गायत्री मंत्र करते थे और उन्होंने क्या बोलेंगे, नीडम मतलब वैसे होता है घोंसला, हाँ केज, केज होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पिंजरा, पिंजरा। उन्होंने पिंजरा छोड़ दिया, शरीर छोड़ा, शरीर का नाम पिंजरा है। शरीर को पिंजरा बोला, इसमें जीव फंसा हुआ है, आपका पुनर्जन्म नहीं होता, जेल बदल जाती है, क्योंकि काफ़ी काफ़ी लंबा कैदी है, इसको एक जेल बहुत दिन तक मत रखो, शिफ्ट कर दो इसकी जेल। तो चक्रेरे नीडम, बोले यहाँ एक एक प्रत्यक्ष स्थली है, वहाँ पे वो लोग रोज उपासना करते थे। और फिर बोलते हैं उससे अभी भी वो दीप जल रहा है, वो बोलती हैं।
बोले कि उन्होंने जो फूल रखा था वो कभी मुरझाता नहीं है। अद्यापि न विशुष्यंती प्रदेशे रघुनंदन और पुष्प ही कुल ही सार्धम म्लानत्वम न तु यान्ति वही। ऐसा है, फिर उनका कि आप आज्ञा दीजिए, हम अपना शरीर छोड़ना चाहते हैं। भाई काम हो गया, क्यों जगह घेर के रखो, कमरा घर में रेख घेर के रखा आपने, दूसरे को आने दीजिए, कुंडली मार के बैठे हैं, पैसे पे कुंडली मारा है, जगह पे कुंडली मारा है। अरे हो गया आपको 40 50 60 साल 70 साल 80 साल कितना जिएंगे, दूसरे लोग आए, आप गिव चांस टू अदर, पवेलियन में जाएं आप, अपनी एज सोच लीजिएगा, हम इससे ज़्यादा नहीं जीना चाहेंगे। हाँ अच्छा, हाँ उस उतना टाइम में हम काम कर लेंगे सारा, ये भी सोच लीजिएगा, ये नहीं कि हम इसे जिएंगे, लंबा जी के क्या करेंगे। अब वो जो है अपनी इच्छा से उन्होंने छोड़ा, मृत्यु भी अजीब सी चीज़ है, हाँ जब आप अपनी इच्छा करते हैं ना मृत्यु से, तो मृत्यु से डर नहीं लगता, और जब अटैचमेंट होता है तो मृत्यु से बहुत डर लगता है। तो वो जो है चले गए अपने बड़े लोक में, गई या गुरु के पास गई, हमारे हिसाब से तो, रामायण के हिसाब से तो, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, भगवान को अपना स्वरूप मिल गया और वो उनकी मुक्ति हो गई शबरी की। देख रहे हैं आप कितना अच्छा एंड है लाइफ का, कमाल है यार। हाँ न कोई चिक चिक न झिक झिक कि कहाँ है, पता लगाया डेथ बेड पे बैठे हैं, बोले कहाँ है राजू, कहाँ है, बोले यहाँ है, बोले रमेश कहाँ है, बोले यहाँ है, बोले यहाँ है, तो बगल कमरा पंखा क्यों चल रहा है। जो वृद्ध हो जाते हैं ना उनको पंखा बिजली का बड़ा ऑब्सेशन हो जाता है, ये पंखा बंद कर दो, एसी बंद कर दो, बिजली बंद कर दो, दरवाजा क्यों खुला है, यही सब दिमाग जाता है उनका, पता नहीं ऐसा आपका अनुभव है कि नहीं। तो वो नहीं है, हम भगवान हम नहीं जाना चाहते, हम नहीं जाना चाहते। हम तो किसी घर गए तो हमने, एक अम्मा थी वो कुछ बात बोलती नहीं थी, एक हफ्ते से कुछ बोल नहीं रही थी, तो लोगों को लगा अब गई कि तब गई, हाँ आवागमन चल रहा है, बस जाने वाली हैं। तो हम गए उनके पास, तख्त में लेटी थी वो, तो हमने कहा अम्मा राम बोल दीजिए, राम जोर से राम बोलिए, आपको विश्वास नहीं होगा, उनकी आँख ऐसे खुल गई और बहुत कस के डांटी, राम नहीं बोलेंगे। उसमें बोलने में राम बोल दिया उन्होंने। हाँ तो हमने कहा क्यों, बोले मर जाएंगे बोलेंगे तो। हम बस इतना कहना चाहते हैं, हम लोग इतनी यहाँ मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करके आए हैं, कई लोग तो रोज सत्संग सुनते हैं, कई लोग पाठ करते हैं, हाँ कई लोग जप करते हैं, कई लोग पारायण करते हैं, आप और हम ऐसे नहीं रहेंगे उनकी तरह, बस हमारा इतना ही कहना है। डेथ को बनाना पड़ता है, सजाना पड़ता है। आप भगवान से बोलिए हमें मृत्यु के समय कोई आसक्ति ना हो किसी से, आपका नाम स्मरण हो। हाँ भाई विश्वनाथ कलेक्ट कर लेना, कलेक्ट कर लेना सबने, तो तुम्हीं से लेंगे हम तो। देख लेना कौन कौन है, काफी पैसे वाले लोग हैं। आपको और हमको ऐसे नहीं प्राण छोड़ना है, बीमारी रहे रहने दीजिए, हम नहीं बोलते भगवान हमारा प्रारब्ध, बस हम आपका स्मरण करें, हमें कोई आसक्ति ना हो।
इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। बस इतना करना, हर दिन रिमाइंड करिए, हर दिन। अगर आपको बहुत ज्यादा तीव्रता है कि मैं बहुत नाम हूं तो गजेंद्र मोक्ष आप सुबह पढ़ लें, उसका फल लिखा है कि अंतिम समय में भगवान का नाम उससे याद रहता है। यू आर नॉट गोइंग टू लीव द बॉडी लाइक ऑर्डिनरी पर्सन। आप जैसे भी रहें, जहां भी रहें, जिस बीमारी बीमार रहें, कुछ भी रहें, लेकिन हमारे मन में ईश्वर का तीव्र चिंतन हमें चाहिए। हमें नहीं चाहिए फिर से शरीर, हमें माँ के गर्भ में फिर से नहीं आना है। आना है तो किसी संत के पास जाना है, मोक्ष नहीं हुआ या तो किसी बड़े लोक में जाना है। आप अपने लिए एक लेसन इसमें से निकाल लीजिए शबरी का। अगर आपको रात अच्छी बनानी है तो दिन भर अच्छा करिए। अगर 60 के ऊपर जाना अच्छा है तो 50 तक अच्छा करिए। इसीलिए हमारे यहाँ वानप्रस्थ आश्रम होता था कि आप छोड़िए सब, घर नहीं छोड़ेगा आपको, वो छोड़ना पड़ेगा। पता लगा बेबी सिटिंग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मेट में पैसा लगेगा। हाँ, नानी बनी है, नैनी नहीं। अब वो जा रही हैं, ये सब हो गया। हाँ, वो खेल रहे हैं उसके लिए, जिंदगी भर गधे रहे, अब बंदर बन गए। वो नहीं बनना चाहिए। ठोकने दीजिए ना हमें थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग तो शराब में रहते हैं, आसक्ति की शराब में, पोते नाती की शराब में। यहां तो हम ठोकते हैं, एक 9 दिन और है बस। हमारे लिए है, हमारे मन के ठीक करने के लिए हम बोलते रहते हैं, आपके लिए नहीं। अब भगवान जो है, ये अरण्य कांड यहाँ पूरा हो गया। 75 में बस उसकी बात है, जो वहाँ की जहाँ शबरी जी रहती थी उस आश्रम की बात है। मतंग जी कहाँ रहते थे ये है, वो कैसा सुंदर था, कैसे पेड़ थे, कैसी चिड़िया थी, ये सब था। तो ये है, तो अब जो है हम लोग किष्किंधा कांड में आते हैं। किष्किंधा कांड चला जाए, जो किष्किंधा है ना, किष्किन किष्किन, ये जो बंदर होते हैं ऐसी आवाज करते हैं, किष्किन किष्किन किष्किन, इसीलिए किष्किंधा, जो उसको धारण करे। बंदरों का नाम किष्किन है, तो उसको उसका नाम किष्किंधा हो गया, ऐसे किष्किंधा आया। वो कबंध ने बताया था कि आप सुग्रीव के पास जाइएगा, आपको याद आ रहा है? तो ये लोग जो हैं सुग्रीव के पास पहुंचने के लिए काफी दूर तक जा रहे हैं। अगर कोई कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है क्या ये किष्किंधा? शायद आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है, तो वहाँ हैं। तो वहाँ इन लोग गए। अब फिर भगवान ने फिर रोना शुरू कर दिया, फिर बहुत दुखी हो गए, फिर एकदम रोने लगे, फिर बोले कहाँ मिलेगी, कुछ नहीं हो रहा है। लक्ष्मण, लक्ष्मण का कुछ तो प्रोग्रेस हुई है भाई, पहले जटायु जी मिले तो पता लगा कि रावण आएगा, रावण ने, फिर एक कबंध मिला तो कबंध ने बताया कि सुग्रीव के पास जाना है। तो कुछ वी आर इंचिंग टुवर्ड्स अवर गोल। बहुत धीरे धीरे बोले ऐसे क्या होगा, सीता को कहीं और न ले जाएं, कोई खा न ले, ये ना हो जाए। तो बहुत डिस्परेट से राम जी हैं। अब लक्ष्मण जी को आप देखो, बोले आप चिंता क्यों करते हैं, हम तो हैं ना, अगर पाताल में सीता होंगी तो वहाँ पाताल में ले जाएंगे। आप भूल गए क्या कि आप कौन हैं, व्हाट्स हैपनिंग टू यू? हम हैं। और ये 2-3 लाइन बहुत अच्छी है, आप उसको टिक कर लीजिए। 121 श्लोक, फर्स्ट चैप्टर, 120, 121, 122, ये 3 श्लोक को आप टिक कर लीजिएगा, ये काम आएगा जिंदगी में। स्वास्थ्यम भद्रम, मिल गया, स्वास्थ्यम भद्रम भजस्वार्य त्यजताम कृपणामति ही अर्थो ही नष्ट कार्यार्थ ही
अयत्नेनाधिगम्यते उत्साह बलवानार्य नास्ति उत्साहात् परम बलम सो उत्साहस्य हि लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम। उत्साहवन्तः पुरुषाः नावसीदन्ति कर्मसु उत्साहमात्रमाश्रित्य प्रतिलप्स्यामाम जानकीं। बस चलो एक लाइन और पढ़ लेते हैं। त्यजताम कामवृत्तत्वं शोकं सन्यस्य पृष्ठतः महात्मानं कृतात्मानं आत्मानं नावबुध्यसे। बहुत अच्छी लाइन है बोले। स्वस्वास्थ्यम भद्रम भद्रम भज भजस्व आर्य भजस्व लोट लगा रहे 120 श्लोक है ना 120 है शायद। बोले आप मेंटली जरा हेल्दी हुई है। स्वास्थ्यम भज मेंटली कम इन योर सेल्फ व्हाट आर यू डूइंग। हाँ स्वास्थ्यम मेंटल हेल्थ मतलब मन में जरा होप रखिए मन जरा अच्छा रखिए इसे दुखी रखिए। त्यजताम कृपणाम मति मतलब ये छोटी बुद्धि छोड़िए आप बहुत टूट गए ऐसे लग रहा अंदर से मत करिए। अर्थो ही नष्ट कार्य अर्थ ही यत्ने मतलब किसी का कोई चीज छूट गया यत्न नहीं करेंगे तो मिलेगा नहीं चाहे पैसा हो कहीं काम हो यू टू पुट एफर्ट। अगला दो श्लोक तो अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको कहीं लिख लीजिएगा। उत्साहो बलवान आर्य हे आर्य उत्साह बहुत बलवान होता है। उत्साह पता है ना इंस्पिरेशन जिसको बोलते हैं तो उत्साह कहाँ जरूरत होती है जहां पे कोई काम बहुत मुश्किल हो बहुत मुश्किल हो कोई वहां उत्साह की जरूरत पड़ती है कि एवरीथिंग इज डेड एंड डल आपको दिख नहीं रहा है लेकिन आपको लगे नहीं हो सकता है यार लेट अस ट्राई लेट्स मूव अहेड। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं राम जी से। आप सोचिए लक्ष्मण जी कौन हैं। हमारे ख्याल से लक्ष्मण जी के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। हाँ हम लोग जो समझते हैं ना और राम जी तो ये सब कर ही रहे हैं कि तुम लोग लक्ष्मण जी को भी जानो कौन है ये हम लोग बहुत लूजली ये सब कैरेक्टर के बारे में बोलते हैं। आप लोग तो प्रबुद्ध लोग हैं तो हम जरा सावधान रहिएगा। बोले आप उत्साह रखिए पता लगा माउंट एवरेस्ट कई लोग गए मर गए। हाँ ये जब तेंजिंग नॉर्वे इन लोग गए बोले नहीं चल सकते लेट्स मूव अहेड मतलब कहीं से रास्ता ना दिखने पे भी श्रद्धा बनी रहे कि हो सकता है बड़ा काम हो सकता है लेट्स गो अहेड। बोले कितनी माला करना है 10 माला हम करेंगे। स्वामी 10 तो नहीं हो पाएगी 2 कर ले नहीं कोई बात नहीं तुम जितना कर सकते हो करो 10 नहीं हो पाएगी तुमसे 10 नहीं हो पाएगी हमारा माइंड नहीं है ऐसा कि 10 तुमको पता नहीं कि तुम्हारा माइंड बहुत स्ट्रांग है तुम करो ना बैठ नहीं पाते ना कुर्सी बैठ के कर ले हाँ कैसे भी करो लेट के नहीं बैठ के करो मंत्र कोई छोटा बताइएगा ओम जैसे है लंबा मंत्र मत बताइएगा ओम हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामे राम ये तो बहुत ही लंबा मंत्र है भैया इसके लिए तो 10 मिनट पर एक माला करिए इसका जितना लंबा मंत्र उसे आपसे आप नंबर ऑफ माला छोटे करिए ऐसा होना चाहिए जैसा मंत्र हो वैसी माला। हमें एयरक्राफ्ट का समझ में आया एक्सेस बैगेज 1 किलो होता तुरंत चार्ज करते हैं मोटे तगड़े लोग हैं उनका भी तो चार्ज करना चाहिए भाई आपका मान लीजिए 110 किलो है 80 किलो है 90 किलो है और जो 60 किलो वाला भी उतना प्राइस पे कर रहा है 80 वाला भी कर रहा है भाई वेट तो वो भी हो गया एक्सेस क्यों भाई मुकेश जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। हमारे ख्याल से ऐसा होना चाहिए जिससे कि डिसिप्लिन आएगी थोड़ी सी उत्साहो
बलवान आ रहे हैं। अब देखो गुरुदेव ने शुरू किया, गुरुदेव जब चले उत्तरकाशी से तो तपोवन महाराज ने उनकी चुटकी लिया। बोले कि इन वेदांत नोबडी विल कम टू यू, वेदांत हार्डली पीपल लिसन, दोज हु लिसन हार्डली अंडरस्टैंड, दोज हु अंडरस्टैंड हार्डली रिफ्लेक्ट, अमंग दोज हु रिफ्लेक्ट नोबडी नोज द ट्रुथ। तुम क्या कर रहे हो, तुम यू आर गोइंग ऑन द प्लेन्स, कोई सुनेगा वेदांत? ये तो उत्तर काशी में संत लोग यहाँ हैं, वहाँ लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन गुरुदेव ने कहा सुन सकते हैं। तो उन्होंने बोला इफ देर आर फाइव पीपल कंसिडर योर सेल्फ लकी, ये उनके वर्ड्स थे, अगर पांच लोग हैं तो आप सौभाग्यशाली हो। वो चलते गए, उत्साह था। जब हर आपका बड़ा लक्ष्य है और कहीं कोई रोशनी नहीं दिख रही है, अंधेरा दिख रहा है, फिर भी आपको लगे नहीं होगा काम, हो जाएगा, कहीं ना कहीं से कुछ मदद आएगी। लेट्स मूव अहेड। ये बुजदिल वाले तो पहले ही बैठ जाते हैं, बोले हमसे तो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। क्रिया सत्व, क्रिया सिद्धि तो सत्व नोपकरणे, सत्व से सत्व मतलब अंतःकरण में है, करो मेहनत लगेगी करा जाएगा। जानते क्या होता है उत्साह से, आशा उत्साह की जननी है और श्रद्धा आशा की जननी है। ये तीन जनरेशन चाहिए आपको, श्रद्धा से आएगी आशा, आशा से आएगा उत्साह, उत्साह से आएगा क्रिया में कर्मठता, तत्परता, मेहनत, जूझना, जी जान लगा देना। ये जो कैपेसिटी आती है ना कर्म के साथ, चाहे वो साधना ही क्यों ना हो, उत्साह से आती है। तीन जनरेशन, फिर चौथी में आप कर्मठ रहोगे, वरना बोलेंगे होगा तो है नहीं काम। कभी कभी कमिटी मीटिंग होती है, कमिटी मीटिंग में ये डिसाइड होता है काम कैसे नहीं हो सकता। कमिंग टुगेदर टू टेल हाउ दिस वर्क कैन नॉट बी डन। और हमारा तो दूसरा दिमाग ही चलता है, बहुत ऊपर सोचता है कि हो सकता है, मैं यहाँ डिस्कस करोगे। बोले ऐसा है, एक बड़ा यज्ञ करते हैं, एक ने बोला, दूसरे ने बोला पानी बरस गया तो बाहर करोगे आप? बोले फिर एक बड़ा हॉल इस बार लेते हैं, एक ऑडिटोरियम लेते हैं, अच्छा यज्ञ करते हैं। बोले ऑडिटोरियम का तो खर्चा एक दिन का 50,000 रुपये, 7 दिन का 3.5-4 लाख हो जाएगा। बोले ऐसा करते हैं फिर जो है एक हॉल लेते हैं मैरिज हॉल, उसका खर्चा 10-15 हज़ार है, और उनके जो मैरिज हॉल के जो इंचार्ज हैं हमारे परिचित हैं, उनसे बात करते हैं शायद कंसेशन दिलवा देंगे। फिर बोलेंगे देखिए ऐसा है, वो तो है, लेकिन आजकल एग्जाम का टाइम चल रहा है, एग्जाम बहुत चल रहा है, पानी भी बरस रहा है, लोग नहीं आए तो सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। लोग नहीं आए, आप स्वामी जी को बुला तो लीजिएगा, वो बेचारे आएंगे इतनी दूर से यज्ञ करने के लिए, गीता ज्ञान यज्ञ चैप्टर 3 लिया इस बार, लेकिन लोग नहीं आएंगे तो बोलेंगे किसी, फिर हम लोग फंसेंगे, हम लोग क्या फेस रहेगा। तो बोले क्या कर जाए, बोले हम लोग करेंगे, आगे सोचेंगे कब करना है, अभी तो नहीं हो पाएगा, हम जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये दुनिया में ऐसा नहीं होता, साधना भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, मंद मंद 10 मिनट पूजा कर लेते हैं, विष्णु सहस्रनाम कितना पाठ करते हो? 1-10 करके दिखाओ, 10, ये आपका माला भी 10, विष्णु सहस्रनाम भी 10। 10 से क्या फ्रेम है भाई आपका, 10 से कम आप बोलते ही नहीं। विष्णु सहस्रनाम तो 1-2 बहुत है, उसी में हालत खराब हो जाती है।
एक तिहाई होती यहाँ पे एक सेशन में, उसमें कई लोग लुढ़कते पुड़कते आते हैं, कई कई नहीं भी आते हैं, सिद्ध हैं वो लोग, कुछ बातचीत भी करते हैं उसी के साथ साथ। मेरे प्यारे, जब तक कोई बड़ा गोल नहीं बनाता, अंदर से जो एक पावर आती है ना, ईश्वर की शक्ति जो आती, नहीं आती। इसीलिए हमने कई बार बोला, बी स्पिरिचुअली एम्बिशियस, मन को निष्काम बनाना है, गुस्से को जीतना है। अच्छा हाँ, हमें परेशान नहीं होना है। आप दस बार हारोगे, 100 बार हारोगे, एक दिन आप जीत जाओगे। हमें अहंकार को नहीं आने देना है। आप हारो लेकिन फिर उत्साहो बलवान आर्य न अस्ति उत्साहात परम बलम। इंस्पिरेशन रखो थोड़ा सा। बोले गीता तो याद होती नहीं। किसने बोला नहीं याद होती? नहीं, हमने तो अभी बात किया था कि 12वां अध्याय करेंगे, तो हो नहीं रहा था। तो किसी ने कहा कि 9वां करिए, तो 9वां शुरू किया हमने, तो याद हुआ। हाँ हो रहा है, शुरू किया था। हाँ श्री भगवान वाच याद हो गया। उसके बाद मुश्किल पड़ रही है। नहीं ना, उसका एक श्लोक है, इदम तुदे गुह्यतम। हाँ हाँ, हम लोग ना क्योंकि आशा नहीं रखे, बोले उम्र कम हो गई, बढ़ गई है तो याद नहीं होता। इस उम्र में खूब याद होता है। आप करो तो। उद्यमीन ही सिद्धंति कारमाणि न तो मनोरथ प्रविशंति मुखाहा। सो लिखा हुआ है, सोते हुए शेर अगर मुंह खुला हो, ऐसा नहीं कोई उसके अंदर जानवर घुस जाए कि हमको खा लो। इंस्पिरेशन होनी चाहिए, तेज होना चाहिए, एकदम लुंज पुंज है। ऐसे लोग ही फिर गुरुदेव बनते हैं, ऐसे लोग तपोवन महाराज बनते हैं। तपोवन महाराज ने जिस दिन घर छोड़ा केरला से, उनके भाई ने पूछा कब आ रहे हैं, कोई आंसर नहीं दिया। पालाघाट में थे, पालाघाट करके एक जगह है, वहाँ से वाराणसी की ट्रेन लिया था। हम आपको स्पिरिचुअल एम्बिशन भी दिखा रहे हैं, उत्साह कितना होता है इन लोग का। ये नहीं कि हम लोग डर क्या होगा। वाराणसी जब उतले, न रहने की जगह, न कहीं पैसा उनके पास, न कुछ न कुछ, इतना विश्वास, चलते जा रहे थे। फिर मंदिर में गए, मंदिर में बोला भाई रहने के लिए जगह मिल जाएगी, रात भर रह लेंगे, मिल जाएगी, यहीं यहीं रह लो। बोले कुछ खाने के लिए आलू वालू कुछ मिल जाए, खा लो। ऐसे हुआ है। स्पिरिचुअल लाइफ में इस उत्साह नहीं होगा तो आप मंत्र वगैरह में हार जाइएगा, कुछ फल तो आ ही नहीं रहा है, कुछ फल आ ही नहीं रहा। हम रोज मंत्र जप करते हैं, रोज पूजा करते हैं, अरे करते रहो, आएगा फल। डोंट लीव होप ना उत्साह उत्साह से लोकेशु न किंचित अभी दुर्लभ। हम देखो क्या लिखा है, उत्साहवंता पुरुषा ना वसीदंती, इट डजंट ब्रेक हिज हार्ट। His heart is not broken. टूट नहीं गया वो। उत्साह मात्रम आश्रित्य आश्रित्य प्रति लप्स्याम जानकीम। ये लक्ष्मण जी बोले हम लोग उत्साह से सीता जी का पता लगा लेंगे। सच्ची बात है, सीता जी शांति हैं, मुक्ति हैं, भक्ति हैं, मत भूलिएगा। हमें उसको प्राप्त करने के लिए बहुत उत्साह चाहिए होता है। कभी कभी आपसे क्या बोलें, हम क्या बोलें, हम एक बार हमको झक चढ़ी थोड़ी सी कि समाधि लगाएंगे, पागलपन शायद यहाँ बताया था कहीं और बताया था। हाँ तो सुबह उठ जाए 2 बजे 3 बजे नहीं, 3-4 बजे उठ जाए, इतनी झक चढ़ गई कि नींद ही नहीं आई, 1.5 साल तक सोए नहीं, इसलिए कि हम लगाएंगे। लेकिन उसी में बड़ा बढ़िया काम हो गया, पूरी रात जागते थे, दुखी नहीं होते थे, माला लेके खूब जप करते थे, 100 माला 150 माला 200 माला खूब जप करते थे। और हमको समझ में आ गया कि भगवान है, इनसे इन्हीं से होगा।
और ऐसा भी दिन आया कि हम बैठे तीन तीन घंटे के लिए बैठ लेते थे। मुश्किल नहीं है कोई, आपको लगता है कि ध्यान बहुत मुश्किल है, उत्साह क्यों तुम लगा लोगे ध्यान, तुम बैठे रहो बस, होता है ध्यान होता है। अपने गोल को बहुत मुश्किल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उससे आदमी की इंस्पिरेशन खत्म हो जाती है। बहुत मुश्किल तब समझो जब आलस आए, करते रहो तब सोचो कि अटेन कर लेंगे। आलसी को बताओ कि मुश्किल है काम, मेहनत करो जरा सा। उत्साहवंत पुरुष नावसीदंती कर्मसु उत्साह मात्रमाश्रित्य प्रतिलप्स्याम जानकीं त्यजताम कामवृत्तत्वं शोकं संत्यस्य पृष्ठतः महात्मानं कृतमात्मानं आत्मानं नावबुध्यते। बोले देखिए आप त्यजताम कामवृत्तत्वं, जो आपके अंदर कामना इत्यादि छोड़ दीजिए, आप इतना रोइए मत। शोकम संन्यस्य पृष्ठतः, ये पीछे छोड़ दीजिए शोक को, पृष्ठतः मतलब पीछे छोड़ दीजिए। महात्मानम कृतम आत्मानम, आत्मानम नावबुध्यते, आप भूल जाते हैं, आप याद, आपको याद नहीं रह रहा है कि आप महात्मा हैं जिन्होंने कृत आत्मानम, उन्होंने बुद्धि को कंट्रोल किया हुआ है, आप उस पर आइए। अब जब ऐसा बोला, इंस्पायरिंग बोलते थे लक्ष्मण जी, ऐसा लगता है स्पीकर अच्छे थे। एवं संबोधिया तेना शोको शोकोपद चेतना त्यज्य शोकम च मोहम च रामो धैर्यम उपागम। भगवान राम जी में धैर्य आ गया, लेकिन फिर अभी आगे फिर रोएंगे, अभी टेम्परेरी धैर्य आया है। सो अभ्यति, अब फिर उन्होंने, फिर वो गए वहाँ पर कहाँ, जहाँ सुग्रीव रहते थे। अब सुग्रीव रहे, हाँ ऋषिमुख पर्वत में, सुग्रीव ने देखा दूर से ये क्या मामला है। अब ये किष्किंधा बोले दो लोग कहाँ से आ गए। अब फिर दूसरा प्रसंग शुरू होता है, उसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे।